कैमरा गाय के अजय उसकी लॉकडाउन है और मुकेश हमारे साथ सेफ्टी बोर्ड का है, छोटा वाला है ना। मुकेश रैपिड में क्या होता है अभी तो फिलहाल तो आगे हमारे बड़े रैपिड छोटे रैपिड आ जाए, रैपिड में इनकेस कोई गिर गया ज़्यादा दूर चले गया रात से तो वहाँ पर मुकेश आएगा हेल्प करने के लिए। ठीक है ओके, रात है ये हमारा फ्रंट एंड बैक राइट पीछे से बैठेंगे जो हमने लगा रखा है वो रात बोर्ड है और एक हमारा पैडल बोर्ड है। बोर्ड में बैठना कैसे है, सबको बाहर होके बैठना है, ब्लैक पट्टी दिख रहा है ना इस पर, ठीक है आप ये मत सोचना है अंदर बैठना है, ठीक जितना बाहर बैठेंगे हम उतना सेफ है। क्यों बैठना कैसे, दो लोग जो आगे बैठेंगे प्रॉपर आउटसाइड पैर इधर लॉक करने अपने, ठीक है ऐसे लॉक करने के पैर लॉक कब करने हैं, जब आपका गाइड बोलेगा गेट रेडी फॉर रैपिड, रैपिड के लिए तैयार हो जाओ उस टाइम लॉक करना, अदरवाइज फ्लैट है तो फ्री रख सकते हो। ठीक है जब पीछे से बैठेंगे उनको उनका क्या, उनके दोनों पैर लॉक होंगे, अगर आप लेफ्ट में बैठे हो लेफ्ट फीट इसके नीचे राइट हल्का सा सपोर्ट करेंगे पीछे से प्रॉपर बाहर होंगे। ठीक है ओके, गाइड आपको रिवर में कुछ कमांड करेगा जो हमें कोऑर्डिनेशन के साथ फॉलो करना है। पैडल है सबके हाथ में, पैडल को होल्ड कैसे करना है ऐसे देखो, थंब डाउन अंगूठा नीचे चार उंगलियां ऊपर और दूसरा हाथ जस्ट यहाँ नीचे से। ठीक है ठीक है ओके, तो फर्स्ट कमांड जो हमारा गाइड आपको करेगा पैडल फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में क्या करना है पूरा बॉडी को आगे लीन करना है, ये एल्बो जो राइट हैंड है जो लेफ्ट साइड में ये बैंड नहीं होगा 90 डिग्री जाएगा और बैक फॉरवर्ड में बॉडी भी मूव होगा। ठीक है जब गाइड फॉरवर्ड, सेकंड कमांड है स्टॉप, स्टॉप में क्या करना है होल्ड योर पैडल थाइस के ऊपर रखना है ऐसे और रोप को पकड़ लेना जब गाइड अगर रैपिड टाइम में आपको स्टॉप होता है। क्लियर ओके, थर्ड कमांड है बैक पैडल, बैक में क्या करना है फॉरवर्ड का अपोजिट करना है बैक टू पीछे साथ बैक पैडल। ठीक है ओके, नेक्स्ट कमांड है हमारा जो आपको गाइड करेंगे रैपिड में, जैसे बड़े रैपिड आएंगे ना मेजर तो वहाँ पर करेंगे फॉरवर्ड एंड फास्ट फॉरवर्ड या हार्ड फॉरवर्ड बोलेंगे, तो उस टाइम क्या रो हमें थोड़ा फास्ट करना है जल्दी जल्दी, उस टाइम हमें रोइंग की ज़रूरत है। ठीक क्लियर ओके, लास्ट कमांड जो है सेफ्टी कमांड है गेट डाउन, गेट डाउन कमांड क्यों होता है इनकेस कई बार लगता है कोई ऐसी वेव में चले गए बड़ी वेव में जहाँ बोट ट्रबल होने का चांस है या बोट से गिरने का चांस है तो वहाँ पर गाइड आपको बोलेगा गेट डाउन। गेट डाउन में क्या करना है जैसे स्टॉप पोजिशन है ना एक हाथ से रोप पकड़ना है एक हाथ से पैडल बोट के अंदर आ जाना है, ऐसे नहीं गाइड ने गेट डाउन बोला आप लोगों ने गेट डाउन सब बात कर दी। ठीक है तो गेट डाउन में जब अंदर गेट डाउन कमांड क्यों होता है, अगर मैं वो पकड़ के अंदर आया हूँ और इस पोजीशन में हमारा बोट स्लिप हो गया तो सब कहाँ है क्योंकि राप से समझ रहे हो, अगर मैं विदाउट रोप के अंदर आता हूँ ऐसे अगर बोट स्लिप होगा तो सीधा चांस है बोट के नीचे आ जाएगा। ओके क्लियर, ये आ गया रोइंग का समझ, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टॉप फास्ट फॉरवर्ड और गेट डाउन। ओके अब मैं थोड़ा बता देता हूँ ये तो राप का है रेस्क्यू का, इनकेस कई बार चांसेस होते हैं हम रैपिड में गिर गया या बोट फ्लिप हो गया तो सबसे पहले तो पैनिक नहीं क्योंकि हमारे पास लाइफ जैकेट है, तो क्या करना है उस पोजीशन में अगर गिर भी गया रैपिड में सबसे पहले आपको माइंड में एक चीज रखना है वाइट वाटर स्विमिंग पोजीशन, वाइट वाटर स्विमिंग पोजीशन हो रहा है ना कवर लेग ऑलवेज डाउन स्ट्रीम इस तरीके से पैर नीचे के लिए होंगे हेड ऊपर के लिए सर थोड़ा पीछे इस तरीके से, उसमें क्या है वाइट वाटर स्विमिंग पोजीशन पे आप अपने आगे सब कुछ देख पाओगे, मेरे पास बोट आ रहा है वेव आ रहा है या कोई रेस्क्यू के लिए आ रहा है। जैकेट क्या होता है लाइफ जैकेट, कई बार हमें फ्लोट करता है पानी में गिरे और आप पॉजिट में गिर गया तो उस टाइम आपको क्या दिखेगा सिर्फ पानी पानी आप बहुत पैनिक हो जाओगे, तो कोशिश करना टर्न योर बॉडी और वाइट वाटर स्विमिंग पोजिशन में। ठीक है ओके, दूसरा आता है सेफ्टी बोट। ओके उससे पहले है ये हमारा रेस्क्यू बैग, रेस्क्यू बैग का काम आता है जब हम बोट से थोड़ा पास में 5 मीटर या 10 मीटर वहाँ पर गाइड आपको बैग थ्रो करवाएगा। बैग थ्रो कैसे, अगर सपोज आप थोड़ा दूर है ये फ्रंट है ये गाइड के पास रहेगा गाइड आपको बैग थ्रो करेगा, कई बार बैग क्या होते हैं जब हम पानी में फ्लोट कर रहे हैं थोड़ा
दाएं बाएं आगे पीछे गिर गया, तो कोशिश करना है बैग को होल्ड करने की। बैग को सिर्फ इजी पोजीशन है, अगर बैग आपके पास आता है कैसे होल्ड करना है, ये बैग का माउथ क्लोज करो, वहीं पे स्टॉप हो गया है, और पैडल पकड़ना है और वाइट वाटर स्विमिंग पोजीशन जो मैंने आपको बताया था, क्लियर। अगर आपको सिर्फ रोप ही रोप दिख रहा है तो रोप को आपको सिर्फ सिंगल हैंड से पकड़ना है, ऐसे ऐसे राउंड नहीं करना है, ये थोड़ा डेंजर है, ठीक है, इस तरीके से। ओके ओके, अब आते हैं सेफ्टी कायक। ये हमारा कायक है, वो फ्रंट है, बैक एंड मिडिल, गाइड मिडिल में बैठता है। ये जो पार्ट है हमारे, ये पूरा कवर होता है डेक से, तो गाइड आपको हमेशा पास कराएगा होल्ड माय कायक फ्रंट और बैक साइड। अगर फ्रंट से आगे गाइड बोलता है फ्रंट पास करवाए, कैसे होल्ड करना है इजी, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेना है और दोनों पैर ऊपर। ओके, अगर गाइड आपको बैक पार्ट ऑफर करता है, बैक को कैसे होल्ड किया, यहाँ से होल्ड किया, चेस्ट ऊपर रखना, ये दोनों हैंडल होल्ड करने एंड ट्राई टू स्विम, जैसे पानी में कीक मारते हैं ना वैसे, माने गाइड के लिए हॉरिज मिल जाए। कई बार चांस क्या होता है, हमने रैपिड सेक्शन में जब इतना बड़ा बोट उल्टा हो सकता है तो इसके लिए कुछ नहीं है, हमने होल्ड किया है और कायक हमारा सफल हो गया, तो ऐसे नहीं उस टाइम हम ऊपर ही बैठ गए आराम से। गाइड कहाँ होगा, पानी के अंदर। वहाँ पे क्या करना है, कायक को हमें 1 से 2 सेकंड के लिए छोड़ना है, गाइड के पास टेक्निक होता है, वो रोल अप इसको पलट लेगा, हाँ रोल अप करेगा और फिर अगेन आपका गाइड। क्लियर आया समझ में, क्वेश्चन पूछना है किसी को, क्लियर है पूरा आ गया समझ में। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम, कोई नो प्रॉब्लम।